हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। और अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में बिकॉज मुझे काफ़ी लग रही थी भूख। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना बिस्किट वगैरह खा लूँ। और अभी हम बनाने वाले हैं पकवान गाइस, पकवान, बिकॉज कल हमारा फेस्टिवल है क्रिसमस। एंड आई एम सो हैप्पी कि कल क्रिसमस है यार। सो अभी पकवान बनाने वाली है मम्मी। और आज रात में चिकन रोस्टेड बनने वाला है। भाई गया है मार्केट चिकन लेने के लिए। सो बनाएंगे ये लोग, ये दोनों मिलके बनाने वाले हैं चिकन रोस्ट। सो आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और आप लोगों को भी मैं मज़ा दिलाऊंगी व्लॉग बना के, ताकि आप लोग भी व्लॉग देखो एंड इन्जॉय कर सको। सो बने रहिए मेरे साथ मेरे व्लॉग में और देखते रहिए और दिल खोल के सपोर्ट कीजिए। नए चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, लाइक कमेंट कमेंट, हाँ अच्छा कमेंट करना। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना, ठीक है। सो चलिए हम निकालते हैं बिस्किट्स फिर खाएंगे। और गाइज मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती यार, कि जब मैं घर पे रहती हूँ व्लॉग बनाती हूँ तो मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को कैमरे के सामने, और बाहर जाती हूँ तो पता नहीं क्यों एकदम अजीब सा दिखने लग जाता है। ये मेरे को समझ में ही नहीं आता। अभी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने मार्केट वाला व्लॉग बनाया तो पता नहीं उसमें एकदम अलग सा दिखने लग गया फेस, एकदम डल डल सा। और घर पे जब बनाती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है व्लॉग। ये बातें मुझे समझ में नहीं आती, ये ऐसा क्यों होता है? हमेशा होता है ऐसा, ऐसा नहीं कि बस एक ही दिन हो, हमेशा हो ही रहा है, पता नहीं क्यों। सो चलिए मैं जाती हूँ खाने, फिर उसके बाद खाने के बाद जब हम पकवान बनाएंगे तब मैं दिखाऊंगी, जिस रोस्टेड बनेगा चिकन रोस्ट तब मैं दिखाऊंगी, ठीक है। आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सी बिस्किट खा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये है मेरा डाइट वाला बिस्किट, देखिए न्यूट्री चॉइस। सो अगर आप लोग भी डाइट करते हैं तो ये वाला बिस्किट मैं आप लोगों के लिए रिकमेंड करूँगी, बिकॉज इसमें ज़्यादा शुगर नहीं होता, मैदा भी ज़्यादा नहीं होता, ये आटे का बना होता है, ठीक है। सो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आप लोग इसे खा सकते हो, इसमें कोई भी ज़्यादा मैदा शुगर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कम परसेंट में मिलेंगे। अगर 50% में 10% भी नहीं निकल सकता अगर मैं बोलूँ तो शुगर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम शुगर तो रहता ही नहीं है। मुझे तो शुगर पता ही नहीं चलता इसमें, मुझे तो लगा नहीं। आप लोग ट्राई करके देखना आप लोग को कैसा लगता है, बट डाइट जो डाइट करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है ये बिस्किट। सो चलिए मैं, मुझे आप लोग को दिखाना था इसलिए मैं आ गई थी फिर से व्लॉगिंग करने के लिए। सो मैं इसे खाती हूँ फिर उसके बाद देखते हैं मम्मी कौन से काम करने के लिए बोलती है। वैसे तो अभी पकवान बनाने में हेल्प करना है मम्मी को, सो अभी हम बनाएंगे। और पकवान में हम आज डोनट्स बनाने वाले हैं। मम्मी फर्स्ट टाइम डोनट्स बना रही है अपने से, उनको वैसे खुरमा जो बोलते हैं वो उनको आता है अच्छे से बनाने, बट डोनट उनको नहीं आता, उन्होंने सीखा है यूट्यूब से। एंड अब देखते हैं कैसे वो बनाती हैं, जैसे भी बनाएगी। मुझे तो बहुत पसंद है यार पकवान खाना और बहुत मज़ा आएगा यार, बिकॉज कल क्रिसमस है और आज पकवान भी बनने वाले हैं, लेकिन कल गेस्ट आ रहे हैं, गेस्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद गाइस, क्या बोलूँ। सो कल बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, हम क्रिसमस व्लॉग बनाएंगे, तैयार होंगे, अच्छा अच्छा खाना खाएंगे यार, बहुत मज़ा आएगा, बहुत बहुत बहुत। सो आई कांट वेट। सो आप लोग अभी कीजिए वेट, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। और आप लोग कहीं मत जाइए, अगर कुछ ज़रूरी काम है तभी जाइए, वरना बने रहिए मेरे व्लॉग में और मेरे साथ देखते रहिए व्लॉग। लीज आ चुका है चिकन, देखो भाई ले आया है चिकन, और ये रहा है दही देखिए। और अभी हम बनाने वाले हैं चिकन रोस्ट। और फ्रिज में क्या क्या रखा है चलो देखते हैं। ये पता नहीं यार मुझे भी क्या रखा है। अच्छा कल कुछ मम्मी बड़ा बनाने वाली है खाने के लिए, वो है। और इधर इधर साइड फिश रखी है, ये है मटर, सेमी, और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है कि मैंने अभी तक अपना कुरकुरे नहीं खाया है, और ये रखा हुआ है अभी तक यहाँ पे। सो देखते हैं कब खाऊंगी मैं, फिलहाल तो अभी यहीं पे ही रख देती हूँ और जाती हूँ, मुझे अभी कुछ काम करना है। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। फाइनली गाइस हम लोगों ने पकवान बनाना स्टार्ट कर दिया है और अभी इसे हम फेंट रहे हैं।
जैसे कि मैंने बताया कि आज पकवान में हम डोनट्स बना रहे हैं। सो ये अभी है शक्कर और एग, इसे घोला जा रहा है यानी कि मिक्स किया जा रहा है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे मैदा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी। हमने इसका डो बना लिया है मैदा से गूंथ के, देखिए, और ये बहुत ही प्यारा बना है, देखिए। सो जब ये बन जाएगा तब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अच्छे से इसका फाइनल वाला लुक, हमारा डोनट्स कैसा बना। गाइस, हम लोगों ने पकवान बना लिया है। पकवान में दो चीज़ हम लोगों ने बनाया है, पहला है डोनट और दूसरा है खुरमा। हाँ, खुरमा। सो मैं, मेरी बहन, मम्मी, हम तीनों ने मिलके बनाया है। सो चलिए मैं उसका फाइनल वाला लुक दिखाती हूँ कैसा है, और जिन जिन को अच्छा लगा वो प्लीज़ कमेंट में बताना। आई होप आप लोगों को पसंद आए। सो चलिए मैं दिखाती हूँ। एंड फाइनली अभी फ्री हुई गाइस में, कम से कम आधा नहीं, डेढ़ घंटा तो लग ही गया इस चीज़ में। सो चलिए मैं पहले उसका लुक दिखा देती हूँ, फिर हम बात करते हैं कि ये रहा हमारा पकवान, ये है डोनट और ये है खुरमा। इन दोनों को हमने बनाया है और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना, और काफ़ी और भी बन रहे हैं। ख़त्म हो गया? ख़त्म हो गया, हाँ, अब ख़त्म हो गया, अब नहीं है। सो आप लोग बताओ आप लोग को कैसा लगा देख के। और हम लोगों ने पकवान बनाया और उसका लुक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और अभी डिनर बनाना भी बाकी है। और आज के डिनर में बनने वाला है चिकन रोस्ट। सो हम दिखाएंगे आपको कैसा है, और आप लोग को अगर हमारा क्रिसमस पकवान अच्छा लगा सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी रुकिए थोड़ी देर के लिए, मैं आप लोग से मिलती हूँ डिनर के टाइम पे, ठीक है। ये है, हम लोग ने चिकन को मेल्ट करके दही में रख दिया है, और अभी हम इसका बनाने वाले हैं चिकन रोस्ट। जब ये बन जाएगा तब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। ये पकवान देखा कैसा बना है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया यार। अभी गर्म है इसलिए मैं नहीं खा रही हूँ, जब वो ठंडा हो जाएगा ना तब मैं उसे आराम के साथ खाऊंगी। और हम लोगों ने अभी चिकन को मेल्ट करके रखा हुआ है दही में, और आज हम डिनर में खाने वाले हैं चिकन को, यार बोल जाते, चिकन रोस्ट राइस और टमाटर की चटनी। जब बन जाएगा तब मैं आप लोग को दिखाऊंगी, और आई होप मज़ा आएगा। और कल फाइनली क्रिसमस है गाइस, आई कांट वेट। मैं सोच रही हूँ कब जल्दी से सुबह हो, फिर मैं अपना न्यू ड्रेस पहनूँ, मेकअप करूँ एंड आप लोग के सामने आऊँ, और आप लोग के लिए कल का स्पेशल व्लॉग बनाऊँ। और अच्छा अच्छा खाना बनने वाला है यार कल नहीं बताऊँगी ज़्यादा दिखाऊँगी। सो आज तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, हम लोगों ने पकवान भी बना लिए हैं, और अभी चिकन की पार्टी भी होने वाली है गाइस। इस साल का क्रिसमस बेस्ट ऑफ बेस्ट है यार, अब वेट नहीं है, चाहती हूँ जल्दी से 2023 भी आए, इसके बाद फिर से हम क्रिसमस का वेट करें, क्योंकि क्रिसमस टाइम में बहुत 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 मज़ा आता है। हम हर साल बाहर जाते हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने, बट इस बार हम नहीं जा पाए बिकॉज मम्मी पापा की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी इस साल। सो घर पर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, कल कुछ गेस्ट आएंगे घर पर, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं इंजॉय तो कर ही रहे हैं। सो आप लोग प्रे कीजिएगा मम्मी पापा की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और अगर मेरे व्लॉग आप लोग को पसंद आते हैं सो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्लॉग शेयर कीजिएगा, ताकि और नए नए लोग आएँ और जुड़ें, देखें, मुझे सपोर्ट करें गाइस, ठीक है। किया जा रहा है कि चिकन रोस्ट कैसा बना है, देखिए। अभी सिर्फ इतना निकाला गया है और यहाँ पे तल आ रहा है। सो जब ये पूरा बन जाएगा तब मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए ऐसा कुछ बना है, ऐसे लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं काटने वाली हूँ मिर्च, प्याज और ये है टमाटर। हम बनाने वाले हैं टमाटर की चटनी, सो इसे मैं फटाफट कट कर लेती हूँ। गाइस, मैंने प्याज मिर्च कट करके रेडी कर लिया, और टमाटर भी मैंने फाइनली काट दिए हैं, दिखाती हूँ। देखिए मैंने इस शेप का टमाटर काटा है छोटे छोटे, और इसका हम बनाने वाले हैं टमाटर की चटनी चिकन रोस्ट के साथ और राइस।
लिए हमारा चिकन रोस्ट बनके तैयार हो चुका है। देखिए इसका लुक कितना लाजवाब रसीला है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। देखिए लुक्स वेरी यम्मी।